गुड मॉर्निंग गाय तो हम लोग भाई आज स्विमिंग पूल में ही इंट्रो कर रहे हैं बट हाँ गाय अभी फिलहाल हम लोग के फटाफट से रेडी होके जा रहे हैं अपना एक न्यू हाउस बाय करने कुछ दिनों से हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस किए थे जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना बाकी यहाँ में मैं जीत चुका था भाई वो चैलेंजेस हम लोगों ने कंप्लीट किए थे तो हमको मिले थे बहुत सारे प्राइस फिलहाल हमारे पास हो चुके वन करोड़ रुपए सो एक करोड़ का एक हाउस भी बिक रहा था तो मैंने सोचा भाई खरीद देता हूँ और अभी फिलहाल हम लोग उसी जगह शिफ्ट होने वाले आपको दिखाते हैं चलो गाइस रेडी हो गए फटाफट चलते हैं अभी रेडी है तो फटाफट अपनी बाइक पे चलते हैं बट आज भी बाइक गायब हो गई नहीं नहीं, नहीं, नहीं। गई मैं नहीं यहाँ पे पार्क की थी घर के पीछे साइड बाकी हाँ गाइस इस बाइक को लेके फटा से चलते अपने न्यू हाउस में और अभी फिलहाल हम लोगों ने न्यू हाउस ले और हम लोग आज गाड़िया भी लेने वाले हैं गाइस अपने न्यू हाउस के लिए मतलब वहां पे थोड़ी बहुत कार्स रुकेगी तो थोड़ी बहुत अच्छी लुक आएगी अपने हाउस की तो अभी फिलहाल हम लोग फटा से अपने हाउस में चलते हैं अपने न्यू वाले हाउस में हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू वाले हाउस में जो कि अभी फिलहाल हम लोग डील कंप्लीट करने वाले हैं चलो गाइस बात करते हैं डीलर से एंड ये जो घर बेच रहा है उससे बात कर हैं डील कंप्लीट करते हैं तो ये शानदार सा मेंशन हपना हो चुका है और अभी फिलहाल हम लोग आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं सबसे पहला रूम आता है ये वैसे ये रूम नहीं पता नहीं क्या है यहाँ पे खाली आ? तो आप अंदर जैसे आओगे इस करके तो आपको मिलेगा एक बेड और सामने एक टीवी लगा हुआ है जो कि हम लोग सोते हुए देख सकते हैं वैसे ये रूम भी खाली पड़ा है यहाँ पे भी कुछ रखवाएंगे एक सोफा वोफा यहाँ पे यहाँ पे मतलब चिल मार सकते हैं बैठ के मतलब हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा एक किचन जो कि प्यारा सा लुक देता है पे एक बालकनी मजाक कर रहा हूं मतलब अच्छा तो एक तो ये घर एकदम अच्छी जगह भी था और एक तो ये था। हाँ अभी भी खत्म नहीं होता है। इसके घर बहुत ज्यादा यहाँ पे भी एक रूम है जो की खाली पड़ा हुआ है हाँ पे दो से तीन रूम ना खाली मिले मेरे को बाकी यहाँ गाय पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा गैराज दिया गया है जहाँ पे हम लोग एक ही गाड़ी रुका सकते हैं बाकी बाकी यहाँ गए

गैस, हम लोग पुलिस स्टेशन तो पहुंच चुके हैं बट गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को आज बुलाया बुला क्यों है मतलब खुद ही बुलाया आज समझ नहीं आ रहा चलो यार खुद ही पूछते हैं पुलिस ऑफिसर से क्यों बुलाया गाइस मेरी ऑफिसर से बातचीत हो चुकी है और ये बोल रहे हैं कि हमारे शहर में कुछ अजीब सा हो गया है मतलब जो हमारे सिटी में जो रेलवे स्टेशन है ना वहां पे कुछ अजीब सा ही हो रहा है लोगों के साथ मतलब वहां से दो तीन लोग ना गाइस गायब हो गए हैं और ये ऑफिसर बोल रहा है कि वहां पे ना एक लोगों ने बताया कुछ लोगों ने इसको बताया कि वहां पे एक ट्रेन है जो की एक रेड कलर की और बहुत ज्यादा खतरनाक दिखती है और गाइस पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि वहां से कुछ लोग गायब भी हो चुके हैं और कुछ लोग बच भी चुके हैं जिन्होंने हमको बताया

तो पुलिस ऑफिसर ने बोला है तो अपने को करना ही पड़ेगा और मेन बात हमारे सिटी की सेफ्टी का सवाल है तो अपने को करना ही पड़ेगा तो चलते हैं फटाफट से ट्रेन पे एंड सॉरी मतलब रेलवे स्टेशन एंड देखते हैं वहां पे कौन सी ट्रेन खड़ी है तो मैं पहुंचने वाला हूँ रेलवे स्टेशन पे सिक्स ये मैं आ चुका हूँ मेरे को कुछ आइडिया नहीं भाई ये कहा आ चुका हूँ मेरे को चूचू की वजह से मैं भागा था और गिर चुका था तो बेहोश हो चुका था अभी होश जैसे ही है मैं पता नहीं कहाँ आ चुका हूँ कुछ आइडिया नहीं बट एक सेकेंड यहाँ पे एक ट्रेन है जिसको मैंने अभी ऑन कर दिया है पता नहीं भाई यहाँ पे क्या सीन है ट्रेन क्या कर रही है और मैं कहा पे आ चुका हूँ वही नहीं मालूम भाई एक सेकेंड यहाँ पे तो काफी खतरनाक सा सीन है मतलब यहाँ पे आस पास जंगल है और कुछ भाई बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही मतलब सभी ना मेरे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे ना मैं कुछ क्या ही करूं मेरे को क्योंकि नहीं नहीं यहां पे कोई भी सिटी मेरे को नजर नहीं आ रही तो यहां पे जंगली जंगल है पेड़ है और भाई पता नहीं किसने मेरे को यहां पे लाया तो गाइस तो मेरे को आगे की तरफ एक घर नजर आ रहा है जहां पे लाइट भी चमक रही है बट एक सेकंड मैं ट्रेन को रोकता हूँ अपनी एक सेकंड उतरू तो भाई इसकी भाई मैं ट्रेन चालू में उतर गया बट ठीक है यहाँ पे एक आदमी बैठा है भाई इससे मेरी बातचीत तो हो चुकी है और ये बोल रहा है कि मैं ना भाई चूचू चास के वर्ल्ड में आ चुका हूँ और यहाँ से निकलना है ना तो चूचू चास को हराना पड़ेगा बट ये बंदा बोल रहा था कि यहाँ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे एक घर दिखेगा तो वहाँ पे उनको स्क्रैप्स मिल जाएंगे तो जल्दी से चलते हैं वैसे यहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि अजीब ही माहौल है यहाँ पे बहुत हम लोग अंदर आ चुके हैं लेट्स ओके okay, मिल चुके हैं स्क्रैप्स जल्दी से इनको कलेक्ट करते हैं फटाफट से ओके okay, यहाँ पे भी पड़े लेट्स को यहाँ पे देखते हैं और कहा तो नहीं पड़े ओके okay, यहाँ पे भी है ओके okay, तो जितने भी पड़े में कोई सारे लेके जाना है ओके okay, तो आई थिंक भाई हो गए खत्म हो गए यहाँ पे पड़ा है एक सेकंड ओके okay, तो भाई ऊपर साइड भी मैं आ चुका हूँ लेट्स को यहाँ पे भी देखते हैं मिल गए ओके okay, दो यहाँ पे मिल गए और यहाँ पे भी एक और मिल गया बहुत ज्यादा ही हो गए मेरे पास स्क्रेप चलो गाइस यहाँ से चलते हैं अपनी ट्रेन को अपग्रेड करते हैं फटात से फाइनली गई मैंने ट्रेन को अपग्रेड कर लिया है ट्रेन की हेल्थ बहुत कम थी मैंने बढ़ा दी uh, oh है एंड मैंने डैमेज बढ़ा दिया बट एक सेकंड वेट दीदी भैंस की देखो गाइस इस चू चू सपने को मिल गया नहीं नहीं यही तो नहीं चाहिए था बट हाँ गाइस इसको हराने है मेरे को अभी एक सेकेंड ये मेरे पास अभी गन है इस ट्रेन में लगी थी बट एक सेकेंड ओवेट भाद भाई एक सेकेंड ये तो हरा देगा बट गन नहीं चल रही कि है तो गाइस ना गन ना पूरी गरम हो चुकी है क्योंकि ये मिनी गन है बाकी यहाँ गए इस पटाख से भाई इसको हराना पड़ेगा वरना भाई ये मैं को हरा देगा बट एक सेकेंड रुको गाइस उसको मारते रहना है मारते रहना है अपने बाई हमारे पास शायद भाई बहुत सारी गोलियां हैं तो हम लोग भाई इसको इजीली हरा सकते हैं एक सेकंड भाई ये खतरनाक अटैक कर रहा है यार एक सेकंड नहीं एक सेकंड ओके रुका एक सेकंड ओ भाई एक सेकंड कहाँ गए चू चू कहाँ गया भाई एक सेकंड हम लोग अपने घर पे आ चुके वाव एक सेकंड ये कैसे हुआ ओ वेट ये मैं अपने बेडरूम में हूँ इसका मतलब भाई वो सब सपना था क्या ओ भाई मैं तो अपने घर पे हूँ इसका मतलब तो भाई ये सपना ही था और गाइस एक सेकंड हम लोग भाई क्या सीन था भाई वो बाकी यहाँ गाइस आज की इस वीडियो के लिए तो नहीं अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना हमारे थ्री के सब्सक्राइबर फैमिली होने वाली है तो करवा देना गाइस बाकी यहाँ गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय